कुमार मिश्र जी। हेलो, परम वंदनीय माँ सरस्वती, मंचासीन अतिथिगण, पदाधिकारीगण, समिति के उपस्थित आचार्यगण, दीदी जी एवं मेरे प्यारे भैया बहन, यह मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज के इस अवसर पर मुझे कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने का शुभ अवसर प्रदान किया गया। राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं हम और उसमें परमाणु ऊर्जा किस प्रकार सहयोग करने वाली है, इस विषय पर चर्चा होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है। राष्ट्र की परिभाषा अगर देखें तो महर्षि अरविंद ने बहुत ही सुंदर शब्दों में यह बताया कि ना तो यह कोई भूमि का टुकड़ा है, ना कोई उपमा है और ना ही कोई बुद्धिविलास। जिस प्रकार करोड़ों देवों की संयुक्त शक्ति से महाभवानी महिषामर्दिनी भगवती का प्राकट्य हुआ, उसी तरह करोड़ों भारतवासियों की पूंजीभूत शक्ति रूपा हमारी भारत माता हमारी माँ है, माँ भगवती है। हम सब इनके संतान हैं और इस राष्ट्र के निर्माण की अगर बात करें तो विज्ञान किस प्रकार सहयोग कर सकता है, इस विषय पर आज चर्चा होने वाली है। प्रकृति संकट उत्पन्न करती है, प्रकृति संघर्ष उत्पन्न करती है व्यक्ति के सामने। व्यक्ति संघर्ष करते हुए शरीर और जो भूख है, जो भाव है, उनके कारण जब अपने बुद्धि और चिंतन का उपयोग करता है, अनुभवों से अपनी बुद्धि को और प्रखरतर बनाता है, एक जिजीविषा मन में रहती है कि हम विरोध के विरोध में भी अपना अस्तित्व तो बनाए रखें। जब सामने हम लोगों को पाते हैं कि अचानक से विपत्तियां आ जाती हैं तो उसमें भी अपना अस्तित्व तो कैसे बचा कर रखा जाए, तब विज्ञान सामने खड़ा होता है। कार्य कारण निर्वाह की खोज शुरू होती है। विज्ञान ने हमें वह क्षमता दी, मस्तिष्क में वह क्षमता दी कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को समझें, उसकी विवेचना करें और उसके बाद परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने जीवन की जो दैनिक समस्याएं हैं उनका सामना करें तथा भविष्य की जो बात है, भविष्य में प्रगति किस प्रकार हो, समृद्धि किस प्रकार हो, उसका कुछ उपाय कर पाएं। और भारत के नायकों में से दो नायक आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करूंगा एक बार पूरी ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि के साथ हमारे दोनों वैज्ञानिकों का स्वागत किया जाए और यह गूंज बात तक जाए, ऐसी ऊर्जा रहनी चाहिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत, हजारीबाग के लिए यह सौभाग्य की बात है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से इतने अनुभवी हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला। आशा है कि जो इस सेमिनार का उद्देश्य है वह फलीभूत होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।